यूपी में इस बार कितने डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, एक दो या फिर तीन, ये सवाल इस वक्त हर तरफ गूंज रहा है। लेकिन भाजपा इस पर खामोश है। पर्ती के पीछे नई सरकार का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई बात खुलकर बाहर नहीं आई है। सूत्रों पर यकीन करें तो इस वक्त डिप्टी सीएम को लेकर तीन बड़े फॉर्मूले पर बात हो रही है। ये फॉर्मूला क्या है, अब ये भी जान लीजिए। डिप्टी सीएम वाले समीकरण में कितने नाम फिट बैठ रहे? यूपी में दो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला इस बार बदलेगा? यूपी में सीएम योगी के मंत्रिमंडल में कितने उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, इस पर तरह तरह की चर्चा चल रही है। मोटे तौर पर तीन तरह की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक इन पर भाजपा खेमे में महामंथन भी चल रहा है। पहला फॉर्मूला 2017 की तरह दो डिप्टी सीएम बनाए जाएं। पांच साल पहले जब पहली बार योगी सरकार बनी थी तो यूपी भाजपा के ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया था, जबकि ब्राह्मण समाज से आने वाले दिनेश शर्मा को भी उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। इस बार केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़े पर हार गए। ऐसे में अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए या नहीं, इस पर मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के भीतर इस पर दो राय है। एक धड़े की राय के मुताबिक चुनाव हार चुके केशव प्रसाद मौर्य कद्दावर नेता हैं और उनकी वजह से कई सीटों पर पार्टी को बढ़त मिली है, इसलिए उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। दूसरी राय ये है कि हारे हुए नेता को डिप्टी सीएम बनाने की परिपाटी सही नहीं होगी, ऐसे में किसी और ओबीसी नेता को ये पद देना चाहिए। डिप्टी सीएम को लेकर जिस दूसरे फॉर्मूले की चर्चा है वो तीन डिप्टी सीएम बनाने का है। इसके मुताबिक एक ब्राह्मण, एक ओबीसी और एक दलित नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसे लेकर जाटो समाज से आने वाली बेबी रानी मौर्य के नाम की चर्चा तेज है। बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर आगरा ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ा था और 76,000 से भी ज्यादा वोट से फतेह हासिल की। ऐसे में उनकी दावेदारी काफी मजबूत है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम को लेकर एक और फॉर्मूला लगातार मंथन के दौर में है। सूत्रों के मुताबिक ये फॉर्मूला चार डिप्टी सीएम बनाने का है। चर्चा है कि इस बार राज्य में चार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, जिससे जातिगत समीकरणों के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को साधा जा सके। ऐसी हालत में अलग अलग वर्ग के ये चारों डिप्टी सीएम राज्य के अलग अलग चार इलाकों से हो सकते हैं। इस रेस को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी चर्चा में बताया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में इस बार पार्टी ने यूपी में बड़ी कामयाबी हासिल की है, ऐसे में उन्हें इसका इनाम मिल सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।